हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। आज बेटा चेंजिंग टॉपिक्स एंड रेशियो का चैप्टर चल रहा है और आज इस चैप्टर का लास्ट क्लास है। काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए बेटा। पार्ट 27 है और क्वेश्चन नंबर 22 है। जो जरूरत से ज़्यादा है बेटे, इसे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया और हर टाइप से ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया हर टाइप से। ठीक बेटा, चलिए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, रीड करते हैं और रीड करते हुए समझाने की कोशिश करता हूँ। ये क्वेश्चन बेटा देखने में बड़ा जरूर है लेकिन बहुत ही छोटा आंसर है, बहुत ही छोटा आंसर, बिल्कुल नॉर्मल आंसर है। लेकिन कुछ भी घुमाया हुआ नहीं है और ये आया हुआ क्वेश्चन है। सोचिए देखिए कितना ईजी क्वेश्चन है, ठीक ना, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, ये पार्ट 27 है, क्वेश्चन नंबर 22 है। द बैलेंस शीट ऑफ राज, यूपी एंड रवि शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 एज ऑन 31 मार्च 2020 इज एज फॉलोज है। देखिए बेटा ये तो रेशियो है, आपको रेशियो जो ये वाली है, ये आपकी क्या ओल्ड रेशियो है, ये वाली जो रेशियो ये क्या बेटा ओल्ड रेशियो है, कौन सी रेशियो है, ओल्ड रेशियो है, ये ओल्ड रेशियो है जो पहले से चला रहा है। ठीक है, और बैलेंस शीट है, लाइब्रेरी जो अमाउंट है, एसेट्स अमाउंट है, कैपिटल कितनी है 2,60,000 है और पार्टनर्स कैपिटल राज का 1,50,000, यूपी का 1,00,000 और रवि का 50,000। टोटल कितना हो गया 3,00,000, सारे पार्टनर्स का कैपिटल मिला करके कितना हो गया 3,00,000। आप आ जाइए एसेट साइड में, कैश कितनी है 1,00,000, स्टॉक कितनी है 1,50,000, मशीनरी कितनी है 2,00,000, बिल्डिंग कितनी बेटा 1,10,000 है, अभी एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट देखिए 1 April 2022। देखिए मैं आपका क्या है न्यू रेशियो है, ये क्या बेटा न्यू रेशियो है, ओल्ड रेशियो 3:2:1 और न्यू रेशियो बेटा 3:2:2 है न्यू रेशियो। ये न्यू रेशियो है 3:2 है, ये क्या बेटा न्यू रेशियो है 3:2:2। इट वाज एग्री डेट एडजस्टमेंट नंबर 1 है, स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 1,30,000। देखो बेटा स्टॉक की वैल्यू कितनी है 1,30,000, क्लियर है, और बैलेंस शीट में पहले से कितनी है आपकी, देखिए बैलेंस शीट में पहले से कितनी है 1,50,000 है और मार्केट वैल्यू कितनी है 1,30,000, तो 20,000 से क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो देखिए उसकी एंट्री पास कर दीजिए, क्या लिखेंगे रिवल्यूशन रिकॉन्डी आर टू स्टॉक कितना 20,000। ठीक है बेटा, सेकेंड एडजस्टमेंट देखिए, सेकेंड एडजस्टमेंट बोले मशीनरी टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, जो मशीनरी है उसको कितने से कम करना है 10% से कम करना है और मशीनरी कितनी आपके पास 2,00,000, तो 2,00,000 10% कितना हो गया 20,000, तो लिखिए रिवल्यूशन अकाउंटिंग एट मशीनरी कितना बेटा रिवल्यूशन अकाउंटिंग एट मशीनरी अकाउंट 20,000। ठीक है, तो के साइड में टोटल कितना है 40,000, डेबिट साइड में लिख दिया 40,000 कि डबल सिस्टम में डेबिट और क्रेडिट क्या होता है इक्वल होता है, तो टोटल एंट्रीज हो गया ढंग से, ठीक है प्रॉपर एंट्री, रिवल्यूशन अकाउंट दिया 40,000 टू स्टॉक 20,000 टू मशीनरी 20,000,
बी एवब एसेट डेप्रिसिएटेड, एवब एसेट मतलब स्टॉक और मशीनरी दोनों क्या हो रहा है उसकी वैल्यू कम हो रहा है। स्टॉक का 20,000 से भी और मशीनरी का भी 20,000 से, ठीक है बेटा। अब देखिए बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग टू भी अप्रिसिएटेड बाय 25%। बिल्डिंग जो है कितने से बढ़ है, अप्रिसिएट मतलब बढ़ना बेटा, ठीक ना, बढ़ चुका है 25% से। और बिल्डिंग कितनी है बैलेंस शीट में, 110,000 का 25% कितना हो गया, 27,500 हो गया। तो 27,500 से क्या है, बिल्डिंग बढ़ रहा है। तो क्या एंट्री होगी, बिल्डिंग अकाउंट दिया टू रिवेल्यूशन अकाउंट, 27,500, ठीक है बेटा। आप देखिए रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट कितने से रहा है, 40,000 से, और यहाँ पे रिवेल्यूशन अकाउंट कितने से क्रेडिट हो रहा है, 27,500 से। इन दोनों का जो डिफरेंस है मतलब डेफिसिट ज्यादा है कितने से, 12,500 से, क्लियर है। इसका मतलब यदि डेबिट बैलेंस आ रहा है, डेबिट बैलेंस मतलब डेफिसिट जितना ज्यादा है इसका मतलब क्या लॉस हुआ है। तो लॉस के केस में पार्टनर्स कैपिटल को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और रिवेल्यूशन अकाउंट को क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, रिवेल्यूशन अकाउंट का जगह फीस हो जाएगा। रिवेल्यूशन अकाउंट हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है कि जिस अकाउंट से प्रॉफिट लॉस निकालते हैं उसको नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। और नॉमिनल अकाउंट को हर हाल में क्या करते हैं बेटा, रिड्यूस करते हैं, हर हाल में वहां से क्या करते हैं, हटाते ही हटाते हैं, ठीक बेटा। देखिए इसको हटाते हैं, देखिए वो रिवेल्यूशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है उसको क्या करेंगे, सभी पार्टनर्स के बीच में और इसमें क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखिए राज कैपिटल अकाउंट दिया कितना बेटा, देखिए प्रॉफिट कितना है, सॉरी लॉस कितना है, 12,500, इसको किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, और रेशियो में। तो 12,500 इंटू उसके बाद 6 कितना आया, 6,250। दूसरा है यूपी कैपिटल अकाउंट दिया, 12,500 इंटू 2/6 कितना आया, 4,167। और लास्ट में रवि कैपिटल अकाउंट डीआर, 12,500 इंटू 1/6 कितना है बेटा, 2,083 टू रिवेल्यूशन अकाउंट कितना, 12,500, ठीक बेटा। बीइंग रिवेल्यूशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो में क्या कर बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है बेटा। तो ये चैप्टर आज फिनिश हो गया बेटा, काफी अच्छा से कर दिया, काफी डिटेल कर दिया बेटा, ठीक है। इसको बेस बनाइए, इसे बाहर जाने की जरूरत नहीं, नोट नीड टू गो बियॉन्ड दैट। फिर हाँ थोड़ा बहुत आप ये थ्योरी देखना चाहते हैं तो थ्योरी देख सकते हैं, पर न्यूमेरिकल के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।